कॉलेज बना, सड़कें बनी, ये सब दावा हो रहा है? कुछ भी नहीं बना। अभी पूरे शहर की हालत देख लो, एक रोड शहर का अगर अच्छा होगा तो हम मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए मैम, चलिए अपनी बात। मैं महिलाओं की बात करूंगी, क्योंकि ये विदिशा शहर है। हमने कई बार शिवराज सिंह जी से कहा है उद्योग डालवाइए, क्योंकि रोज बेरोजगारी बहुत है विदिशा में, तो आज तक कोई उद्योग नहीं डलवाया। 18 साल मुख्यमंत्री रहे, 25 साल। जल्दी बोलिए सर। विदिशा में बेतवा मैया बहती हैं, बेतवा मैया की स्थिति देखिए। सैयदगंज में सोम डिस्टिलरी का पूरा वेस्टेज इसमें मिलता है। पिछले कार्यकाल में रमाकांत भार्गव का मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है। वही पहली बात मैं बता दूं, ये लोग 400 पार की बात कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों पर चुनाव लड़ रही, 400 पार कैसे हो जाए? और एक नारा लगाते हैं जे आंधी नहीं तूफान है शिवराज सिंह चौहान है। ना आंधी ने किसी का भला करा है, ना तूफान ने किया है, ना शिवराज सिंह चौहान ने किसी का भला करा है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, ये हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हिंदुस्तान की तरक्की की बात करें, हिंदू मुस्लिम ठीक है। अब आप देखिए, कुछ मुद्दे हमने आपसे लिए, हमारे वापस आ रहे हैं एक एक करके। थोड़ा सा स्पेस बनाइए, देखिए थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए, यहाँ टहलने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, नहीं तो मैं आप तक पहुंच नहीं पाऊंगा। मेरे लिए टीवी 9 भारतवर्ष के लिए थोड़ी जगह बनाइए। अब चलिए, कुछ मुद्दे यहाँ पर उठे हैं, हम उन पर एक एक करके बात करते हैं। देखिए सर, सड़क का मुद्दा उठा, ये अभी हमने जनता की से बात की, कहा कि शिवराज सिंह चौहान को लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर देखा लेकिन सड़कें नहीं बनी। कुछ लोग कह रहे हैं बेतवा नदी का मुद्दा है, कुछ कह रहे हैं कि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, ये सारे विषय हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान हो या फिर बीजेपी हो, इन विषयों पर बात हो रही है? आप ये बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया होता तो नगर पालिका, जनपद, जिला पंचायत, लोकसभा, विधानसभा में क्या आते क्या? आप बताइए, आप समझदार हैं? ये तो सब झूठ बोलने का काम है, कांग्रेस का काम है झूठ बोलना। अगर विकास नहीं किए होते तो सब जगह क्या कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बैठ पाती? कांग्रेस कहीं तो आती, कुछ तो करती। ये बात कर रहे हैं कि रोड नहीं है, आप इनसे 2003 के पहले पूछिए। एक चीज बताइए, जवाब लें, एक एक करके जवाब लेंगे, जवाब लेने की। देखिए बात यह है कि विदिशा और विदिशा से निकले तमाम बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे, यहाँ राष्ट्र को नई पहचान दी और राष्ट्र के कार्यों में सम्मिलित हुए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जिसके नाम पर बीजेपी का कोई भी व्यक्ति चुनावी मैदान में उतरता है तो जनता उसे सराहती है, सिर आंखों पर बिठाती है। कांग्रेस के पास कोई तोड़ ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है, यही तो आरोप लग रहे हैं। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा इस बार चेहरे के तौर पर, आप क्या कहेंगे? कोई कैंडिडेट तक नहीं प्राइम मिनिस्टर, ये झूठी बातें हैं। हमारे देश के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल जी उनसे मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया आपने? हमारे यहाँ जब चुन लोकसभा में सदस्य, इंडिया गठबंधन में प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कौन है? जब लोकसभा में चुन के हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं वो कैंडिडेट खड़ा करते हैं, हमारे यहाँ से पहले से घोषित नहीं करते हैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट। आपने कहा कि पहले से नहीं घोषित करते, ये तो एक पूछना चाहता हूँ। पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, इनने शिवराज सिंह को घोषित किया था? इनसे पूछिए, पिछले विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री घोषित क्यों नहीं किया और उनके नाम पर वोट लिया? लेकिन देश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है, कहाँ है चेहरा प्रधानमंत्री का? देश के प्रधानमंत्री का विधानसभा चुनाव हो गए, मेरी बात सुनिए। पिछली बार हमने देश के प्रधानमंत्री पर नहीं लिया था, लेकिन हमने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था। हमारी देश के जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के नाम पे हम कभी चुनाव नहीं लड़े। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता, हर नेता प्रधानमंत्री बन सकता है। इंडिया गठबंधन में हर नेता प्रधानमंत्री, ऐसा है क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन में भी और लोकतंत्र में ये होता है। तो आम आदमी पार्टी के लग रहे हैं? लग नहीं रहे, है ही। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री, मेरी बात सुनिए। इंडिया मानते उनको, इंडिया गठबंधन है, गठबंधन के लोग बैठ वो कह रहे हैं हमारे हैं। लोग देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, सांसद चुने जाते हैं, सांसद चुन करके फिर जो है एक साथ बैठ करके फिर प्रधानमंत्री चुनते हैं। ये तो डिक्टेटरशिप है ना, तो पहले से ही आप घोषित कर दे भाई। जो लोकप्रिय नेता है उसको कोई पार्टी क्यों ना कहे, जनता बार बार मोहर लगा रही है और आप लोग तो पुराने सहयोगी हैं, अब ना लगू हैं। देखिए, मैं एक बात का जवाब देना चाहूँगा। यहाँ पर किसी ने कहा था कि 18 जो अभी विधानसभा चुनाव के पहले शशांक भार्गव जी और कांग्रेस से थे, चलिए ठीक है, कांग्रेस से हमको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अगर
कांग्रेस थी, विधायक पद पे कांग्रेस थी, तो केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, नगर पालिका में बीजेपी, तो विकास क्यों नहीं हुआ? उसके बाद बात आती है, वो कह रहे विकास हुआ, आप कह रहे विकास नहीं हुआ। चलिए एक मिनट, एक मिनट, मैंने पहले ही आप सबसे रिक्वेस्ट किया था कि हम बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ी शालीनता के साथ बात करेंगे। हाँ, एक मिनट रुकिए, एक चीज, नहीं नहीं छोड़िए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सवाल पूछना मेरा काम है, रुकिए। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, इस देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव चल रहा है, इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये सबके मन में सवाल है। मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ आपसे, विदिशा के मतदाता होने के नाते इस देश का अगला प्रधानमंत्री आपकी नजर में कौन होने वाला है? नरेंद्र मोदी। और आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी। जल्दी बोलो, भाजपा के पास सुनने की क्षमता नहीं है। और एक भी अगला प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? आपको ये बताओ, अगर बीजेपी ने विकास किया तो ये रोड क्या लग रहा है, कौन बनने वाला है? जहाँ पे आप खड़े ये कौन बनने वाला है? ढकना क्यों पड़ा? अगर मोदी चाहिए, मोदी जी, मोदी देखिए, नेताजी ने कहा 10 लाख से जीतेंगे। सुषमा स्वराज जब चुनाव लड़ी थी तब कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, 3.5 लाख से जीत पाई थी शिवराज सिंह। और एक भी पीजी कॉलेज नहीं है। एक बार पीछे 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 चलिए, हम सब पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं तभी बात हो पाएगी। थोड़ा और पीछे चलते हैं, जगह बनाते हैं, जगह बनाते हैं, थोड़ा और जगह बनाते हैं, थोड़ी और जगह बनाते हैं। अब देखिए प्लीज, थोड़ी शांति रखिए, एक बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ा विषय मैं विदिशा की जनता के सामने उठाना चाहता हूं, जिसको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी बोला गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला और इस पर बड़ी चर्चा हुई देश में। मैं जानना चाहता हूं कि विदिशा के लोग और विदिशा के नेता इस पर क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले ये बात कही थी कि देश के अंदर संपत्ति के बंटवारे का जिक्र कांग्रेस कर रही है। ये क्या खेल है? क्या विदिशा की जनता को पता है कि ये मामला क्या है? कांग्रेस पर ये क्या आरोप क्यों लग रहे हैं? क्या आरोप है, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो कहा उससे सहमत हैं आप? प्रधानमंत्री जी इनका बिल्कुल सहमत है, जिसके लिए हमें थोड़ा कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह ने कहा भी जी, उसके बाद अब राहुल गांधी कहते हैं हम संपत्ति का सर्वे कराएंगे। फिर अब करवाएंगे सर्वे? सर पहले तो ये जानना पड़ेगा, ये करवाएंगे नहीं, ये जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों का है, दलितों का है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मुसलमानों का है। और दूसरा, उसको पूरा 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 बयान सुनना पड़ेगा। और एक मिनट, अगर